नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शलाका और रश्मि देसाई की जैसी एंट्री हुई थी नागिन 4 में, वैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया था, जिसके कारण लाल टेकरी का राज ही रह गया था। तो अब नागिन 4 के व्यूअर्स के लिए एक जबरदस्त न्यूज है दोस्तों कि उनका शो 18 जुलाई से फिर से शुरू हो रहा है। तो अब लाल टेकरी का राज खुल जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इस बार क्या क्या ट्विस्ट होने वाला है। तो फाइनली अब दोस्तों 18 तारीख से सैटरडे संडे रात 8 बजे ये शो देखने को मिलेगा। अब फाइनली पता चल जाएगा कि शलाका और वृंदा के बीच लड़ाई में कौन जीतेगा। लेकिन दोस्तों, प्रोमो में आपने नोटिस किया होगा कि देव के साथ कुछ एक अलग रहस्य जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि उसके सर पे एक नागमणि है और ये एक नए ट्विस्ट को जन्म देने वाला है। अब ये देखना होगा दोस्तों कि टेलीविजन की क्वीन एकता कपूर लाल टेकरी के राज को किस तरीके से निकालती है। हो सकता है शायद पहले ही 2-3 एपिसोड में राज पता चल जाए, या हो सकता है कुछ एपिसोड्स आगे लगे, ये हमें अभी पता नहीं है दोस्तों। और ये बात मैं बता दूं कि तुरंत जैसे ही नागिन 4 कंप्लीट होगा, नागिन 5 शुरू हो जाएगा। और ये भी हम कहना अभी सही नहीं होगा दोस्तों कि नागिन 4 और नागिन 5 इंटरलिंक्ड होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी एक्साइटेड है दोस्तों? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।